हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि घर में कितने इंच का पंखा लगाएं। दोस्तों, वैसे मोस्टली पब्लिक यही सोचती होगी कि पंखे के लिए कौन सी कैलकुलेशन करनी है, पंखा तो सिंपल हम लेकर अपने घर पर लगा सकते हैं। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने जब रूम में कोई पंखा लगाया होता है तो जितनी आपको उससे हवा एक्सपेक्टेड होती है कि वो कितना हवा का फ्लो मारेगा, बट आप उतना नहीं फील कर पाते तो कि पंखा जितनी आपको एक्सपेक्टेड हवा होती है वो फ्लो नहीं करवा पाता। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो पंखे की सिलेक्शन होती है एज पर रूम साइज वो गलत हो गई होती है, जिसके कारण। तो दोस्तों, हमें इस बात की सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि घर में कितने इंच का पंखा लगाएं, और इसके साथ ही साथ हमें ये भी सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि हमें कितनी हाइट पर पंखा लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए बहुत ही कम हाइट पर पंखा लगा दिया तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड का डर रहेगा कि उसका सिर उससे ना टकरा जाए, या फिर आपने बहुत ही ऊंचा पंखा लगा दिया तो भी आपको हवा नहीं प्रॉपर आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि घर में या किसी भी रूम में कितने इंच का पंखा लगाएं, उसे हम कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल पंखे हैं वो कितने कितने इंच के हैं। तो दोस्तों, जो मार्केट में अवेलेबल फैंस हैं वो हमारे पास 24 इंच, 36 इंच, 48 इंच, 56 इंच, ऐसे दोस्तों अलग अलग टाइप के पंखे हैं। अब दोस्तों, ये जो इसका साइज है, ये इसके ब्लेड्स का साइज होता है। जैसे मान लीजिए 24 इंच का पंखा है, अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक पंखा है। ठीक है दोस्तों, इसके आपको पता है ब्लेड्स होते हैं, तो ये एक ब्लेड आ गया, ये मान लेते हैं हम, ये दूसरा ब्लेड आ गया, ये तीसरा ब्लेड आ गया। ठीक है, अब अगर इसका हमने, जैसे मान लीजिए 24 इंच का पंखा है, तो अगर इसके टोटल तीन ब्लेड हैं, मतलब और नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां सेंटर से लेकर यहां तक इसको, इसकी लेंथ को नापेंगे इसके ब्लेड की। ठीक है, अब अगर जितनी भी ये लेंथ होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, मतलब दो से गुना कर देंगे, तो ये टोटल पंखे की लेंथ आ जाएगी कि ये कितने इंच का पंखा है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए 24 इंच का पंखा है तो यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ होगी 12 इंच। ठीक है, तो जब हम इसे दो से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 24 इंच। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ ब्लेड्स हो, ओड नंबर ये होते हैं, जैसे मान लीजिए तीन ब्लेड्स हो, मतलब तीन पर हो पंखे के, पांच पर हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको करना क्या है कि पंखे के सेंटर से एक ब्लेड तक इसकी टोटल लेंथ नापनी है और उसे गुना कर लेना है दो से। ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका पंखा कितने इंच का है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स हो, इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स का मतलब जैसे चार ब्लेड हो गए, छह ब्लेड हो गए, मतलब इवन नंबर से बोला जाता है, दो चार छह आठ, इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी के पंखे के चार ब्लेड हो, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक ब्लेड आ गया, ये दूसरा ब्लेड आ गया, ये तीसरा ब्लेड आ गया, ये चौथा ब्लेड आ गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास पंखा है जिसके चार ब्लेड हैं, तो यहां पर ये हमारे पास चार ब्लेड आ गए। ठीक है, अब इसका हमें नापना हो कि ये कितने इंच का पंखा है, तो सीधे आपने करना क्या है, जैसे ये ब्लेड है यहां से लेकर इसके जो सामने वाला ब्लेड है इसके एंड तक हमें टोटल लेंथ नाप लेनी है कितने इंच का ये पंखा है। तो जितनी भी लेंथ आएगी उतने इंच का पंखा ये होगा। मान लेते हैं कि इस ब्लेड से लेकर इस ब्लेड तक जो आपकी लेंथ है वो 48 इंच है, तो इसका मतलब जो ये फैन है ये 48 इंच का फैन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम फैन की लेंथ नापते हैं तो हमें पता लगता है कि फैन कितने इंच का है। क्योंकि आपने मोस्टली यही सुना होगा कि हमें 24 इंच का फैन चाहिए, या 36 इंच का, 48 इंच का, या फिर 56 इंच का। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसे mm में बताऊं, तो जो हमारा 24 इंच का फैन है इसमें हमारे 600 mm होते हैं, ऐसे ही जो 36 इंच का फैन है इसमें हमारे 900 mm होते हैं, और 48 इंच के फैन में हमारे 1200 mm, और 56 इंच के फैन में हमारे 1400 mm होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप फैन लेने जाते हो तो आपको उसकी जो रेटिंग होती है वो mm में भी दी जाती है और इंचेस में भी दी जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल ये एक चार्ट देख लेना है कि 24 इंच के फैन में 600 mm होते हैं, 36 में 900 mm, 48 में 1200 mm, और 56 इंच के फैन में 1400 mm होते हैं। और दूसरा मैंने आपको ये भी निकालना बता दिया कि आपको फैन की लेंथ कैसे निकालनी है, कि आपको अगर पता नहीं है कि ये 36 इंच का फैन है या 48 इंच का, तो आपको सिंपल फैन के ब्लेड्स को नाप लेना है, और अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ ब्लेड्स है तो आपको गुना कर लेना है, इस प्रकार से निकालना है। वैसे ही अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स हो तो आपको एंड टू एंड जो ऑपोजिट आपके पास ब्लेड्स होंगे उनकी लेंथ नाप लेनी है, जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपका फैन कितने इंच का है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों बात आती है कि हमें अब कैसे पता लगेगा कि हमारे रूम का साइज क्या है। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए आपका रूम मोस्टली एक रेक्टेंगल की शेप का होता है, रेक्टेंगल हम आयत भी बोलते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं रूम आ गया, तो इसकी कुछ ना कुछ बेड्थ होगी, ये हमारे पास बेड्थ आगी, और ऐसे ही कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, रूम की लेंथ और बेड्थ नाप लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकलेगा लेंथ इंटू बेड्थ, मतलब लेंथ को बेड्थ से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रूम का एरिया निकल जाएगा। अब मान लेते हैं इस रूम का एरिया है, इस रूम की जो लेंथ है वो 10 फुट है। ठीक है, ऐसे ही जो इसकी बेड्थ है ये भी आपके पास 8 फुट है। ठीक है, तो अगर हमें इसे एरिया निकालना है इस रूम का, तो सीधे हम 10 गुना 8 देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 80 स्क्वायर फुट। तो इसका मतलब इस रूम का जो एरिया है ये हमारे पास 80 स्क्वायर फुट आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी रूम का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आपके पास अब एरिया भी आ गया कि आपने रूम का एरिया भी निकाल लिया और आपको फैन की जो साइज है उसके बारे में पहले से ही पता है, अब आपको सिलेक्शन करनी है कि आपको अपने रूम में कितने इंच का फैन लगाना है। तो आपको करना क्या है कि जो आपका 24 इंच का या 600 mm का फैन है उसके लिए आपको जो 35 फीट और इससे कम का कोई भी कमरा होगा उसके लिए आप 24 इंच का फैन यूज कर सकते हो। तो 35 फुट निकालने के लिए दोस्तों आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपके पास 6x6 फुट का कोई भी, मतलब अगर आपके पास एक कमरा है जिसकी लेंथ 6 फुट है और उसकी बेड्थ भी 6 फुट है, तो ये टोटल इसके जो स्क्वायर फुट आएगा, मतलब एरिया आएगा, वो 36 स्क्वायर फुट आएगा, क्योंकि 6x6 36 स्क्वायर फुट आ जाता है। तो मतलब कोई भी आपके पास रूम जिसकी जो एरिया है वो 35 फुट या उससे कम हो उसके लिए आपको 24 इंच का फैन का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो 36 इंच का फैन है वो आपको 35 फुट से लेकर 65 फुट के एरिया के लिए यूज करना है। मतलब कोई भी रूम जिसका एरिया आपके पास 35 से 65 स्क्वायर फुट के बीच में हो उसके लिए आपको 36 इंच का फैन यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 48 इंच का फैन आपको यूज करना है 65 से लेकर 100 स्क्वायर फुट के एरिया के लिए। ठीक है, मतलब आपके पास अगर कोई भी रूम हो जिसका एरिया 65 से 100 स्क्वायर फुट हो तो उसके लिए आपको 48 इंच का फैन यूज करना है। और ऐसे ही अगर आपके पास 100 से लेकर 225 स्क्वायर फुट तक कोई भी रूम हो, मतलब कोई रूम हो जिसका एरिया आपके पास 100 स्क्वायर फुट से लेकर 225 स्क्वायर फुट तक पड़ता है, तो उसके लिए आपको 55 इंच, मतलब 56 इंच का फैन का यूज करना है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई रूम हो जिसका साइज 225 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा हो। ठीक है, मतलब कोई रूम है जिसका एरिया है वो 225 स्क्वायर फुट से ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एक से ज्यादा फैन, मतलब दो फैन का यूज करना पड़ेगा या फिर चार फैन का, एज पर रूम की साइज के हिसाब से। ठीक है, मतलब उसके लिए आप एक फैन का यूज नहीं कर सकते, आपको एक से ज्यादा फैन का यूज करना पड़ेगा अगर आपके पास 225 स्क्वायर फुट से बड़ा रूम हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने रूम के हिसाब से फैन की सिलेक्शन करनी है। तो अब आपको पहले तो फैन का साइज निकालना भी आ गया कि आपको फैन कितनी लेंथ है, मतलब कितने इंच का आपका फैन है वो आपको कैसे निकालना है वो मैंने आपको सिखा दिया, और आपको रूम का एरिया कैसे निकालना है ये भी अब आपको पता लग गया। तो अब आप इजीली सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको अपने रूम में कितने इंच का फैन यूज करना है। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये बात होगी, अब आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो अपने रूम के लिए कि कौन से साइज का फैन यूज करना है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा रूम है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आपने फैन लगाया, ये हमारा फैन आ गया, तो दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ब्लेड है फैन का, ये अगर हमारे पास ब्लेड आ गया, तो दोस्तों इसकी जो दीवार है, दीवार से ब्लेड की जो दूरी होनी चाहिए ये मिनिमम 18 इंच होनी चाहिए। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब आपको 18 इंच से अगर आप कम दूरी पर कोई भी फैन टांग देते हो, मान लो आपने फैन यहां पर टांग दिया और इसका जो गैप है ब्लेड का दीवार के साथ 18 इंच से कम हो गया, तो होगा क्या कि जो आपका फैन है वो प्रॉपरली एयर को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर एयर फील नहीं हो पाएगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते थे कि फैन की एयर ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका फैन का ब्लेड है वो नियर बाय दीवार से मिनिमम 18 इंच लगभग 1.5 फुट हो जाता है, इतनी दूरी पर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हाइट की, कि आपको जो फैन है उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो दोस्तों मोस्टली आपको हाइट 8 से 9 फुट
ग्राउंड से रखनी होती है। कि मान लीजिए जे आपके पास जैसे रूम है, ठीक है, और आपने अगर यहाँ पर पंखा लगा दिया, ये आपका पंखा आ गया, ठीक है, तो ग्राउंड से लेकर, मतलब ये आपका फैन का बॉटम आ गया, ग्राउंड से लेकर फैन के बॉटम तक जो मिनिमम हाइट है वो आपकी 8 फुट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे कम अगर आप हाइट रखोगे, मान लीजिए आपने 7 फुट रखे, तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई लंबा पर्सन हो तो अगर वो हाथ भी ऊपर को करे तो डर रहेगा कि उसका हाथ पंखे में ना लग जाए, ठीक है, तो जिससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी कारण से हमें मिनिमम 8 फुट पंखे की हाइट रखनी पड़ेगी ग्राउंड से, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका जो सीलिंग है वो 8 से 9 फुट है, मतलब जो आपकी छत है वो ग्राउंड से 8 से 9 फुट की हाइट पर लगी है, तो उसके लिए आपको लो प्रोफाइल पंखों का यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 8 से 9 फुट की हाइट पर अगर आपका लेंटर है तो उसके लिए आपको लो प्रोफाइल फैन का यूज करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपकी जो छत की हाइट है, मान लेते हैं कि वो 10 फुट या फिर 12 फुट हो, मतलब आपका जो लेंटर है वो 10 से 12 फुट की हाइट पर पड़ा हो, तो उसके लिए आपको डाउन रोड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों डाउन रोड क्या होती है, जो ये आपको रोड दिखाई दे रही है इसे हम डाउन रोड बोलते हैं। ये मेनली एक्सटेंशन रोड होती है जो कि मेटल की बनी होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस रोड का यूज करना पड़ेगा ताकि जो मिनिमम हाइट है ग्राउंड से लेकर पंखे की वो 8 फुट ही रहे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हाइट रहेगी तो हमें एयर ही नहीं फील कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम डाउन रोड का यूज करते हैं। अब दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल डाउन रोड है वो मैक्सिमम 72 इंच तक अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग डाउन रोड का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जैसे कि आपने देखा कि जो साइड के दो पंखे हैं वहां पर जो हमारी हाइट है वो कम है सीलिंग की, तो वहां पर हमने छोटी लेंथ की डाउन रोड का यूज किया है। वहीं पर जो सेंटर वाला पंखा है उसकी जो हाइट है उसकी ज्यादा है, क्योंकि जो सीलिंग है वो ज्यादा हाइट पर है, तो वहां पर हमने लंबी डाउन रोड का यूज किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से पंखे की हाइट भी डिसाइड की जाती है और उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम डाउन रोड का यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप अब आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि आपको अपने कमरे के लिए कितने इंच का पंखा लगाना है, वो कैसे निकालना है। तो आप इस वीडियो को देखकर इजीली निकाल सकते हो। आपको पता लगा होगा कि आपको अपने फैन के साइज पता करना हो तो कैसे पता करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।